ओके मेरा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है के जिया। अच्छा माशाल्लाह कमाल है से बड़ा सोना है। मैं जवान आके जिया जिया अल्लाह पाक ने सारे पुत्र दा पुत्र दिते डारे सोने हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हुक्म मनन वाला है। मेरी गाल में आके अच्छे माश शादी की थी वे आके यार हिंदी शादी वास्ते डाढा परेशान कि किवे आके यार रिश्ते तो ढेर आंदे पे कोई मवाहिद नहीं लगदा पिया। इतनी देर हजरत अबू तालिब आ गए गाल बड़ी अजीबी वे ए हजरत अबू तालिब अली पाक दा बहुदुर आ गए जे अली पाक दा बहुदुर आए दोहां बुजुर्ग को गाल के अंदर बिठो ने अदबन सिर झुको ने सलाम पेश की तो ने गोडे दे हाथ रख के ते जे ए हाशमी जवान जितने हैं ना ए अपने बुजुर्गों को गोडे दे हाथ रख के उन्हें हाथ चूमना ए तमाम हजरत इब्राहिम पाक दी जुमला औलाद दा ए तरीका है जना गोडे दे हाथ रख के जे पियो दे हाथ चूमे नु आ के ए भी लगदा तेरा बेटा है के जिया ए अब्दुल्लाह को बड़ा है आ के जे बैग आ के शादीशुदा है माशाल्लाह इने दो पुत्र भी है ना खैर ना आ के जना माशाल्लाह बड़ी गाल है ए खैर चलो अच्छी गाल है ए दसाओ ए क्या मसला है बा अके यार ये तेरा चाचा है इंदी धीए अब्दुल्ला वास्ते में गुडा नहीं पसंद है शादी करे ने हुन ए आदे में निकाह मक्के करूं ए मदीने करूं मैं तो मक्के करूं हुन क्या ख्याल है हजरत अबू तालिब सरकार उमा के ना मक्का ना मदीना मेरी वादी जड़ी है शेबे अबी तालिब जड़ी है ना घाटी में ओ उठाई जा निकाह जा करे ने दूलानी उठाई दे दूल्हा भी उठाई दे खर्चा मेरा ए मतलब अजीब गाल सुनाई में ना परेशान ना थी बारे अगर कहीं को जनाब किताब की लोड़ होवे मैं तो को किताब ही लिखा रहता मैं क्या नहीं लिखी हजरत अबू तालिब का लगे मैं शादी का खर्चा चक्कर ना उन्होंने कहे ठीक है सैयदा आमना पाक मदीने पाक की चुआ की अब्दुल्ला पाक मगे शेब अबी तालिब मेरे पाक नबी दे अब्बा हुजूर अब्दुल्ला पाक दूल्हा बने आमना पाक दुल्हन पर मदीने सारी बांधी खिन गई है और जनाब सबकत हासिल के हां हुस्न का फायदा के हां नाम का फायदा के अंदाज का फायदा की है दौलत का फायदा जनाब सैयदा आमना पाक ने यकीन नहीं हो जवाब दिता सी फरमाया ए बारगाह है मुस्तफा है इथे नाज नखरे दौलत कम नहीं है इथे रब दी मोहब्बत कम है रब दा प्यार हजरत अब्दुल्ला पाक तवज्जो है तो हजरत अब्दुल्ला पाक बोलो अब्दुल्ला सारे बोलो अब्दुल्ला अब्दुल्ला एरे मैहन मेरा बोलू पीर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ठीक है ओ उना दे ताल्लुक वाले दोस्त में कुछ जिथे लब नजर आवन मेरी कोशिश होती है बावे उ सारे मुरीद हैं लेकिन मैं उना को छुप के मिलता ओ साबू आदे यार तो सैयद है जो मैं कह नहीं असा क्या करूं असा जैसे नबी दा कलमा पढ़े उस नबी दा तरीका कार क्या हा हजरत अमीर हमजा नबी से दे चाचा हम नबी से दे हम उमर लेकिन हान नबी से दे नौकर हान नबी से दे गुलाम
जनाब सरकार दी मजलिस से जावे ना सरकार उठी के ना गोविंदे हजरत अमीर हमजा एकड़ी बार हाथ पकड़ी ला के मेरे वास्ते ना उठे करो सरकार फरमा तेरे वास्ते नहीं उठी ना आगे उठी ते मेरे वास्ते करके फरमाया ना मैं कुजेड़ी दीवार दा पत्थर लगे ना मैं दा अब्बा तेरा हम शकल आ आए चाचा जिस वेले ते कूड़े धाम ते दी सूरत जे बाबा नजर आंदे मजो उठी जाना मैं चौड़ा पड़े आया तू भी पीऊ वास्ते कड़ा उठी जे 16 पढ़ के पीऊ वास्ते उठी जा तू जाहिल है मैं ते करण तो बाद ते को पीऊ दे गोडे को हाथ लाने शर्म आंदी है तू पिक तू पक्का जनाब आज हाल है ते तेरे अंदर इल्म दे जनाब नूर दी नून भी नहीं गई नून दा नुक्ता भी नहीं गया अगर नून दा नुक्ता तेरे अंदर वनिया तो ते को जनाब मारफत हासिल थी वनिया क्योंकि जब तक नुक्ते की पहचान ना होवे बंदे को मारफत थी दी नहीं देखो ना बात आसा ही को समय फर्क क्या करें दे तल्ले लाओ है ते बा वेच लाओ नूर ता वेच लाओ त्राय जीम हा खा ही को समय वेच नुक्ता ला छोड़ो ते जीम बढ़ दी खाली छोड़ दो ते हा बढ़ दी उत्ते ला छोड़ो ते खा बढ़ दाल जाल ही को समय नुक्ता ही फर्क करें दे ना भाई ये दाल है ते राजा ही को समय फर्क तो नुक्ता करें शीन शीन ही को समय शीन शीन ही को समय स्वाद द्वार तोए जोए आयन गैन ये सब लफ्ज ही को समय सारा फर्क करें दे नुक्ता और ते को नहीं पता मौला अली फरमाए आना नुक्ता तो तहत अलबाए फरमाए जड़ा बाद तले नुक्ता खड़े मैं अलिया फरमा मतलब के जनाब मार्फत हासिल हुकु थी दिए पहचान हासिल हुकु थी दिए क्योंकि मौला अली वलिया दे सरदार हैं और जब तक अली दी पहचान न थी वे ना नबी दी पहचान थी दिए ना रब्बे जलील दी पहचान शादी करवाई जेने शादी कहीं ना अब्दुल्ला बांध मक्के दे सारे लोग शादी में शामिल थे और हजरत अब्दुल्ला पाक नाल मक्के दे सारे लोग बड़ी इज्जत बड़ी एहतराम बड़े अदब दे नाल इनको मिलते हैं इन जवान दी दाढ़ी इज्जत दाढ़ा एहतराम है दाढ़ा हया जे आप तो समझदा ना लागे ना के जनाब लजपाल नबी सी फरमाए आना जबी हो लगता है मैं जनाब अलू अपना जबीहा दा बेटा हां पूछेगे या रसूल क्या मतलब फरमाया एक बाप इस्माइल तू छ मेरा अपना बाप या रसूल तोड़ा बहू फरमाया मेरे दादे अब्दुल मुत्तलिब मन्नत मन्नी है अल्लाह एक पुत्र जनाब कबीला बनू जरहम दे लोग जेड़े हैं ना एही को लुका गए हन क्या ना इंदा जमजम खू को एक बंद करके चले गए अल्लाह पाक ने अब्दुल मुत्तलिब पाक को उठी पाक खू खट ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब पाक रब हुकुम क्या कर रहे रब पलीता को हुकुम कर रहे या पाक को बड़ो बड़े मनहूसा तेरे पल्ले हया मौका है सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या एने का सुन इस तू वड्डी क्या मुनाफका दोसी या नबी से दे दादे दे खिलाफ बक बक कर या नबी से दे वालिदैन दे खिलाफ बक बक कर या नबी से की औलाद दे खिलाफ बक बक करना ही को दा मुनाफिका के दे मुनाफिका सीधा तो नबी से को मंदे दा काढ़ नहीं में सकदा गुस्सा तो नबी से दे खानदान च बता कढ़े ने या नबी से दी अम्मा दे खिलाफ या नबी से दी अब्बे दे खिलाफ या नबी से दी औलाद दे खिलाफ बक बक बता करे ने भावे कोई नबी दे धीया दे खिलाफ बक बक करे भावे नबी दे बेटे दे खिलाफ बक बक करे भावे कोई नबी दे दामाद दे खिलाफ बक बक करे भावे कोई नबी दे चाचा दे खिलाफ भावे कोई नबी दे सोतरा दे खिलाफ बक बक करे मेरे पाक रब उस दा कोई अमल कबूल नहीं रब उस दा अमल कबूल करे ने जेड़ा मुस्तफा दी वजह तू जनाब मुस्तफा दे सारे रिश्तेदार ना ख्याल करे मौला क्यों फरमाया ते कुरान नहीं पढ़या वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फ असर नबी नाका फ वसत नबी जमा फरमाया महबूब दी मजलिस च आए है एक बंदा और कलमा पढ़े नबी दा हाथ चूमे हाथ चूम के वंजे घोड़े दे बैठे वंजे घोड़े को भजाए घोड़े को जले भजाए ते घोड़े सुबह मारे ते जनाब पर उन सुबह दी जनाब पर अमित जो चिंगारे निकले मैं ओदी कसम चाहती है उन घोड़े को जेड़ा जनाब पर ओदा सांप फुले मैं ओदा सांप फुलन दी कसम चाहती है मौला क्यों फरमाया इस वास्ते कि जेड़ा उत्ते बैठे ना ओ महबूब दा गुलाम है फरमाया मैं रब हो गए गुलाम दा हया पे करे ना तू उम्मत ही हो गए नबी दे खानदान दा हया नहीं वे करे ना वाह वाह
ਆਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ